आज मैं आपको 15 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो किराना स्टोर में या किराना की दुकान में सबसे ज़्यादा बिकती हैं और सबसे ज़्यादा मुनाफा भी होता है। हर किसी किराना के दुकान में या किराना स्टोर में आप लोगों को ये आइटम मिलने वाली हैं। मैंने ऐसे 15 आइटम नोट की हैं जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है किराना के दुकानदार को, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। 15 ऐसी आइटम हैं और ये जो 15 आइटम है ये डेली रूटीन में बिकने वाली आइटम भी हैं, हर किराना की दुकान में मिलने वाली आइटम भी हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूँ, इसमें से किराना के दुकानदार को 30% से ऊपर ऊपर मुनाफा होने वाला है। 30% थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। ऐसे ऐसे 15 पॉइंट में एक एक पॉइंट मैंने नोट किए हुए हैं, मैंने पूरे दुकान में देख के कि किस आइटम में कितना मार्जिन है। सबसे ज़्यादा जो मुझे मार्जिन की 15 चीज़ें लगी वो मैंने इस पेज पे नोट किया है। तो शुरू करता हूँ एक एक आइटम को लेके। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कलर मेहंदी, किसी भी कंपनी के ले लो, ब्राउन हो, बरगंडी हो, ब्लैक हो, बहुत कलर चले हुए हैं। और किसी भी कंपनी का ले लेना आप, मेहंदी हो या कलर हो, गोदरेज है, गार्नियर है, हिना है, नेहा है, पता नहीं बहुत सारी कंपनियाँ हैं। सभी कंपनियाँ आपको 30% से ऊपर का मार्जिन देती हैं। एक दुकानदार को, एक किराना स्टोर वाले को, एक जनरल स्टोर वाले को 30% से ऊपर का मार्जिन इन सभी चीज़ों में होता है और ये डेली बिकने वाली भी आइटम है। सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली आइटम इस चीज़ को मैंने सबसे ऊपर रखा है। तो पहले नंबर पे है कलर मेहंदी, जिसमें सभी आइटम आ जाती है। मेहंदी मीन्स हेयर पे लगाने वाली, हाथों पे लगाने वाली सभी मेहंदियाँ इसी तरह से कलर हो जाते हैं। गार्नियर का है, गोदरेज का है, और भी कोई कंपनियाँ हैं, सभी का 30% से ज़्यादा आप लोगों को मार्जिन होता है इसमें। एक दुकानदार को 30% से ज़्यादा इसमें मार्जिन होता है। दूसरा मैंने नोट किया है पैड्स, डाइपर, जो पैड्स वगैरह होते हैं और जो डाइपर होते हैं, इनमें भी आपको 30% से ज़्यादा मार्जिन मिलता है। एक दुकानदार को 30% से ज़्यादा मार्जिन होता है, इतना मार्जिन कमाते हैं एक दुकान वाले। 30-30% किसी भी कंपनी का लगा लो, और ये पैड्स ये नहीं कि कोई भाई ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांड की भी कंपनियाँ इसमें तगड़े वाला मार्जिन देती हैं। और जो नई नई कंपनियाँ आई हैं वो तो उनसे 5-7-10% ऊपर ही मार्जिन देती है, लेकिन ब्रांडेड कंपनियाँ भी इसमें 30-30% तक का मार्जिन दे देती हैं। तो दूसरे नंबर पर है पैड्स या डाइपर। इसी तरह से डाइपर भी है, डायपर बच्चों के जो डायपर होते हैं उनमें किसी भी कंपनी का, 5-6 तो मेन पॉपुलर है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेऊंगा, लेकिन वो भी आपको 30% तक का मार्जिन देती हैं और बिकती भी दबा के हैं। तो ये था सेकंड। तीसरा है सॉस, सॉस में कोई भी सॉस लगा लो, टमाटो सॉस, रेड चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, सोया सॉस, बहुत सारी जितनी भी चाउमीन सॉस वगैरह आती हैं, जितनी भी आती है विनेगर है, सभी में 30% अप टू 30% इसमें, मैं अप टू बोलूँगा क्योंकि 25-30% इसमें मार्जिन होता है। जो बड़ी बोतल होती है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 30% इसमें भी होता है, 30 से कम इसमें भी नहीं होता। सारी सॉस आ जाती है इसी, किसी कंपनी के ले लो, मेन मेन बड़ी बड़ी ब्रांड हैं जो, वो भी 30-30% तक का इसमें मार्जिन देती है। तो किराना स्टोर वालों को इसमें भी सबसे ज़्यादा मार्जिन होने वाली आइटम है ये, और ये तो बिकती है आजकल के फास्ट फूड में। 30% मार्जिन वाली ये तीसरी आइटम है सॉस। चौथा आइटम मैंने नोट किया है मसाले, किसी भी कंपनी के हो, MDH हो, एवरेस्ट हो, कैच हो, गोल्डी हो, कोई भी हो, XYZ जितनी भी कंपनियां हैं, ब्रांड की जो कंपनी है ना, ब्रांड सिर्फ एक जो मैं वैसे बोल ही दूँ, MDH 23% मार्जिन देती है, बाकी सभी कंपनियाँ 25% से लेकर 30-35% तक का मार्जिन देती हैं। 25-35% तक का सभी मसालों पर, कोई भी मसाला आ जाए इसमें, जितने भी मसाले हैं, हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, कितनी भी, मतलब जितनी पनीर मसाला हुआ, बहुत तरह के मसाले होते हैं, सभी में 25-35% तक का मार्जिन है। अब पांचवा ले लेता हूँ मैं किराना के स्टोर वालों को सबसे ज़्यादा मार्जिन, पांचवा पॉइंट है दालें। कौन सी दालें? पैकेट वाली दालें, पैकिंग की जो दालें होती हैं उनमें दालें सभी सब सिमिलर होती हैं, सभी के रेट सेम ही होते हैं तकरीबन, लेकिन जो पैकिंग वाले दालें होने, कस्टमर सोचता है कि इसका भी ऑटोमेटिक उसका रेट बढ़ जाता है क्योंकि वो पैकेट में है। कस्टमर भी सोचता है कि पैकेट में है इसका रेट ज़्यादा ही होगा। एक लूज़ दाल होती है जो बोरी में होती है वो खुली होती है, लेकिन जो पैकिंग में दाल होती है उसका रेट ज़्यादा होता है और कस्टमर इस चीज़ को देख भी नहीं पाता कि इसका क्या रेट होगा क्योंकि ये पैकिंग में है। और उस पर MRP जो, मतलब 50 रुपये की बिकने वाली आइटम होगी उस पर MRP
तकरीबन तकरीबन 70 या 75 रुपये मिलेगा, इतना तगड़े वाला मार्जिन है दालों पे भी। तो 30% पैकिंग वाली दालें बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, पैकिंग वाली दालों पे दुकानदार 30% तक का मार्जिन उठाते हैं। अब 6 नंबर ले लेता हूँ मैं, मॉस्किटो की रिफ़िल होती है, जैसे ऑल आउट है, गुड नाइट है, मैक्सो है या और भी कोई कंपनियाँ हैं, इनका जो रिफ़िल होती है, जो लिक्विड होता है, उस पे आपको 30% से 35% तक का मार्जिन होने वाला है। 30 से 35% तक का मार्जिन, क्योंकि इस पर MRP बहुत ज़्यादा होता है और उसी हिसाब से ये बिकती भी हैं। एक मैक्सो कंपनी की मैं बता दूँ, इस पर तो बहुत ज़्यादा मार्जिन दे रही हैं ये तो, बल्कि ऑल आउट और गुड नाइट तो थोड़ा कम है, लेकिन इन पे भी 30% है। तो किराना स्टोर वाले को या जनरल स्टोर वाले को इससे भी अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है। अब 7वें नंबर पे मैंने रखा है हवन का सामान होता है, इसमें सामग्री होती है, बहुत आइटम होती है हवन के, आइटम जितनी भी जो हम पूजा सामग्री का सामान रखते हैं ना, पूजा में जो आइटम होने वाली चीज़ है हवन का सामान, 35 से 40% का मार्जिन होता है सभी में। ये 7वें नंबर पे रखा है मैंने, बहुत से मेरे जो व्यूवर्स हैं वो देख के तो यही बोलेंगे कि क्यों भाई तुम सबका भांडा फोड़ रहे हो, सभी मतलब सभी को पूरी खुल के क्यों बता रहे हो, फिर आप लोगों का नुकसान होगा इसमें, दुकान वालों का नुकसान होगा। मैं एक बात बोलूँ कि मेरे 90% जो व्यूअर हैं वो सभी दुकान वाले ही हैं, या वो हैं जो दुकान करना चाहते हैं, तो उन लोगों का फ़ायदा होगा, इससे मुझे खुशी है। 8 नंबर पे मैं ले लेता हूँ जूना ब्राइट स्क्रबर, जिससे बर्तन साफ करते हैं, इसमें भी 30% मार्जिन मिलता है। एक होता है लोहे का, स्टील का वूल बोलते हैं जिसको, एक तो वो होता है, और एक होता है स्कॉच ब्राइट, जो नीले नीले पैकेट में आता है, जो हरे हरे पैकेट में हरी पैकिंग होती है, जिसके अंदर से भी हरा हरा निकलता है। मतलब कहने का मतलब है कि जूना जो बर्तन साफ़ करने का होता है उसमें 30% से ऊपर ऊपर 35 तक का भी मार्जिन होता है, स्टील का जो होता है उसमें तो बहुत मार्जिन होता है, ऐसे ही दूसरे में भी होता है। तो ये भी चीज़ें फुल मार्जिन की हैं किराना की दुकान वाले के लिए। 9 नंबर पर मैंने रखा है ग्लूकोन डी पे भी 35% तक का मार्जिन कंपनियाँ देती है, किसी भी कंपनी का ग्लूकोन डी हो, चाहे डाबर का हो या किसी भी कंपनी का हो, 30% से लेकर 35% तक का सभी कंपनियां इस पे मार्जिन देती हैं। और इसके साथ तो स्कीम में भी आती हैं, अगर बड़ा कोई 1 kg का ग्लूकोन डी है तो उसके साथ छोटा भी फ्री आ जाता है, तो इसमें भी अच्छा खासा मार्जिन कमा लेते हैं दुकान वाले। तो इस चीज़ को भी मैंने 30% वाली लिस्ट में रखा है। 10 नंबर पे आ जाता हूँ मैं, बेकरी का आइटम, सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली आइटम होती है बेकरी की आइटम, इसमें बिस्किट्स हैं, रस है, टोस्ट है, टोस्ट मीन्स रस है, बेकरी के जितने भी बिस्किट होते हैं सभी में फैन होते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, ब्रेड में भी आप लोगों को बहुत मार्जिन होता है, आइटम ये भी बेकरी का है, लेकिन कुछ एक ब्रिटानिया के ब्रेड है 200 ग्राम में 400 ग्राम में, 200 ग्राम वाला ब्रिटानिया का ब्रेड 15 रुपये का आता है, मैं लोग बता ही देता हूँ ओपनली, और वो 20 का बिकता है। एक 400 ग्राम का ब्रेड आता है 30 रुपये का, वो 40 का बिकता है, मार्जिन खुद कैलकुलेट कर लो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, 30% से ज़्यादा मार्जिन हुआ। इसी तरह से लोकल आइटम, बेकरी के जो लोकल आइटम होती हैं, नमकीन होती हैं जो अपने लोकल एरिया में बनती हैं, या फिर ब्रांड किसी भी ब्रांड को भी ले लो, लेकिन बेकरी के आइटम में 30% तक का मार्जिन होता ही है। 11 नंबर पे लेता हूँ मैं ब्रश, जो हम टूथब्रश यूज़ करते हैं, वो कोलगेट कंपनी की हो, ओरल बी की हो, किसी भी कंपनी का, आप मान के चौंक जाओगे ये बात सुन के कि ये कंपनियाँ 50% मार्जिन देती हैं। 9.5 रुपये की ब्रश पड़ती है और 20 रुपये की बिकती है, 50% से भी ऊपर की, इतना तगड़ा मार्जिन कमाते हैं किराना स्टोर के जनरल स्टोर वाले, इतना तगड़ा मार्जिन है इस चीज़ में। और 20 रुपये इस पे MRP, और ये हंस के बिकती है, क्योंकि ब्रांड है, कोलगेट है, ओरल बी है या और है, ब्रांड है, भाग के बिकता है 20 रुपये का, इतना तगड़ा मार्जिन होता है इसमें। 12 नंबर पे ले लेता हूँ मैं फेस वाश, किसी भी कंपनी का फेस वाश ले लीजिए आप, किसी भी कंपनी का 40% से कम कोई भी आपको मार्जिन नहीं रखता, 40% तक का आपको मार्जिन मिलने वाला है सभी फेस वाश में, किसी भी कंपनी का ले लो, 40% मार्जिन थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई अगर कम रेट में बेचना चाहे तो उसको 30 से 35 तो मिलेगा ही, यही मान के चलोगे 30 से ऊपर ऊपर तो आपका फेस वाश में मार्जिन है ही। तो किराना की दुकान वाले 30% मार्जिन इसमें भी लेते हैं एक फेस वाश में। अब 13 नंबर की बात कर लेता हूँ, 13 नंबर पे आता है अपना पाउडर, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा तो गर्मी में यूज होता है। पाउडर पे भी हम लोगों को तकरीबन 30 से 35% का मार्जिन मिलता है, और इसके साथ भी स्कीमें आ जाती है, बड़े पाउडर के साथ छोटा पाउडर फ्री भी आता है कई बार, वो कुछ और स्कीमें आ जाती हैं, पाउडर के साथ तेल भी फ्री आ जाता है। कहने का मतलब है कि इस पे भी 30% का मार्जिन किराना की दुकान वाला ले रहा है। अच्छा, 14 नंबर पे आ जाता हूँ मैं, अचार। अचार भी दो टाइप का होता है किराना की दुकान में, एक तो लूज में खुला अचार रखते हैं और एक पैकिंग में डिब्बे में अचार। खुला जो अचार है उसमें इतना मार्जिन नहीं होगा, लेकिन ब्रांड जो टॉप्स की कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, सब मैंने नाम ही बोल दिया, एक तो खैर टॉप्स है और गोल्डी है, MDH है, जितने भी हैं
आपको 35 से 40% का मार्जिन देने वाली है अचार में। और जो थोड़ी सी लोकल कंपनियां होती है, खैर एक चीज़ मैं बता दूँ, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये लोकल, ये जितने भी आइटम बताए मैंने इसमें से कोई भी लोकल आइटम कहीं नहीं बताए हैं, सारी चीज़ें ब्रांडेड आइटम हैं। ब्रांडेड लिस्ट बनाई हुई है मैंने कि ब्रांड के आइटम में आपको 30% तक का मार्जिन मिल रहा है, ये थोड़ा नहीं होता। तो इसी तरह से अचार है, अचार पे भी आपको 35 से 40% का मार्जिन होने वाला। ये था 14वां पॉइंट। लास्ट पॉइंट ले लेता हूँ और सबसे आखिरी पॉइंट 15वां, शेविंग ब्लेड होता है, रेजर होता है, या पूरा सेट भी आ जाता है, एक पैकेट में भी आता है, जैसे जिलेट का है या किसी और कंपनी का है, जिलेट के सबसे ज़्यादा बिकते हैं। खैर एक ब्लेड होता है छोटा ब्लेड और एक होता है रेजर, रेजर वाला जिससे शेविंग करते, पूरा पैकेट में आता है, बहुत बड़े बड़े आते हैं, 30-30% मार्जिन के होते हैं इसमें सभी, छोटे से लेके बड़े तक कंपनी 30% का मार्जिन दे रही है इसमें भी, शेविंग ब्लेड में या शेविंग के किट के साथ, अगर पूरी किट ले उसमें भी 30%, पूरा सेट लेते हो शेविंग का सेट जिसमें आपका रेजर और ब्लेड होगा उसमें भी 30%, और खाली ब्लेड लेते हो उसमें भी 30%, इतना तगड़े वाला मार्जिन होता है इनमें सभी चीज़ों में। तो ये 15 ऐसी आइटम मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है जो किराना की दुकान वाले को 30% तक का मार्जिन देती है, थोड़ा नहीं होता 30%, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब किराना की दुकान में कुछ ऐसी आइटमें भी होती हैं जिसमें 10% से भी कम मार्जिन होता है, कुछ ऐसे आइटम भी होते हैं जिसमें 6-7% ही होता है, तो उन दोनों को कंपेयर करके, दोनों को मिक्स करके मान के चलिए कि 18 से 20% एक किराना की दुकान वाला मार्जिन कमा लेता है। अगर कोई मेरा भाई किराना की दुकान करना चाहे तो टेंशन की कोई बात नहीं है, लोकेशन अच्छी ढूंढ के और किराना की दुकान डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, आराम से आप लोगों की दुकान चलेगी, बढ़िया चलेगी, ठीक है। तो ये थी मेरी 15 आइटम की लिस्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मेरी पर्सनल अपनी दुकान है तो मैंने, मुझे पता है कि किस आइटम में कितना मुनाफा है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। कोई मेरा व्यूअर अगर दुकान करने की चाहता है, सोच रहा है, तो दुकान कर सकता है, इतना मार्जिन के बारे में मैंने उसको बता भी दिया आपको। बहुत कमेंट आते थे कि भैया हमें कितना मुनाफा होता है, कितनी सेल में कितना होता है, तो मैंने मोटी मोटी ये 15 आइटम बता दी कि भैया इसमें इतना मार्जिन होने वाला है। अब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, जो आप लोग मेरे पास कमेंट करोगे उसी कमेंट के आधार पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं कि भैया इस, मैं ये कमेंट करता हूँ इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, मैं उसी टॉपिक पर बनाऊंगा, पर आप कमेंट ज़रूर करना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।